हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में। इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट की 10th मूवी है हाउ आई बिकम ए सुपर हीरो। हाउ आई बिकम ए सुपर हीरो 2020 में एक फैंटेसी सुपर हीरो मूवी है। मूवी में एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया है जहां पर इंसानों के साथ सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कहानी दिखाई गई है डिटेक्टिव मूरे और उसके असिस्टेंट की, जो कि एक ड्रग डीलर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ड्रग डीलर सुपर हीरोज को किडनैप करके उनकी पावर को निकालकर ड्रग्स के रूप में आम इंसानों को बेच रहा होता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके सामने किस तरह के राज खुलते हैं और क्या ये लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं, आप इस मूवी में देख सकते हो। हाउ आई बिकम ए सुपर हीरो को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली हुई है और 53% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 hour 37 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट की 9th मूवी है रिम ऑफ द वर्ल्ड। रिम ऑफ द वर्ल्ड 2019 में ये एक साइफाई एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है चार बच्चों की, जो अपनी लाइफ के पास्ट और प्रेजेंट में किसी तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग एक कैंप में जाते हैं ताकि ये लोग कुछ अच्छा समय बिता सकें। इस कैंप का नाम होता है रिम ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर भी इनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि इस जगह पर एलियंस का अटैक हो जाता है, जिसके बाद इस कैंप में मौजूद बाकी सभी लोग यहाँ से भाग के निकल जाते हैं, लेकिन ये चारों बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, जिसके बाद एक एलियन इनके पीछे पड़ जाता है। अब ये एलियन इन बच्चों से क्या चाहता है और क्या ये बच्चे इससे बच पाते हैं, आप इस मूवी में देख सकते हो। रिम ऑफ द वर्ल्ड को पर 5.3 की रेटिंग मिली हुई है और 57% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 38 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है इन द शैडो ऑफ द मून। इन द शैडो ऑफ द मून 2019 में एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो कि एक सीरियल किलर के पीछे पड़ा होता है, जो कि हर 9 साल में इंसानों का मर्डर करने आता है। वह पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है लेकिन वह नाकामयाब होता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि वह सीरियल किलर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जानता है। अब क्या वो पुलिस ऑफिसर आखिर तक उस सीरियल किलर को पकड़ पाता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। यह एक टाइम ट्रेवल मूवी है जिसको IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली हुई है और 49% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी रन टाइम 1 hour 55 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है मिराज। मिराज 2018 में एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। यह एक टाइम ट्रेवल मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है दो लोगों की जो कि अलग अलग टाइमलाइन में होते हैं, जिसमें पहली टाइमलाइन दिखाई गई है 1989 की, जिसमें एक लड़का होता है निको, जो एक दिन एक तूफानी रात में अपने घर पर गिटार बजाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पड़ोस से एक औरत के चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद वो उसे वहां पर देखने के लिए जाता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद 25 साल बाद की टाइमलाइन दिखाई गई है। जिस घर में उस लड़के की मौत हुई रहती है उसी घर में एक कपल अपनी छोटी बेटी के साथ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वो लोग आपस में एक टेलीविजन के जरिए एक दूसरे की टाइमलाइन में कनेक्ट हो जाते हैं। उस कपल को पता होता है कि उस बच्चे की मौत होने वाली है, जिसके बाद वो लोग उस बच्चे को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मिराज को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 2 hours 9 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है अवेक। अवेक 2021 में एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है एक ऐसी दुनिया की जहां पर इंसानों को नींद आना बंद हो गया है और ज्यादा दिनों तक ना सोने की वजह से इंसानों के शरीर पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वो लोग एक अजीब तरह के ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। लेकिन फिर इंसानों को एक उम्मीद की किरण दिखती है क्योंकि एक मेटिल्डा नाम की लड़की जो कि ऐसी सिचुएशन आ जाने के बाद भी आसानी से सो पा रही होती है, इसका पता लोगों को चलता है, जिसके बाद वो मेटिल्डा को पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन मेटिल्डा की माँ जिल उन लोगों से मेटिल्डा को बचाना चाहती है, जिसके बाद वो मेटिल्डा को बचाने के लिए क्या करती है और किस तरह से सर्वाइव करती है, आप इस मूवी में देख सकते हो। अवेक को IMDb पर 5.0 की रेटिंग मिली हुई है और 57% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 36 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम 2013 में एक एक्शन साईफाई मूवी है। मूवी में फ्यूचर की कहानी दिखाई गई है जिसमें पृथ्वी पर बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर एलियंस का इन्विजन हो चुका है, जिसकी वजह से वो लगातार इंसानों को खत्म करते जा रहे हैं, जिसके बाद इंसान इन मॉन्स्टर एलियंस से बचने के लिए और इन एलियंस से लड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े जाइंट्स रोबोट्स को बनाते हैं, जिसके बाद इंसानों और एलियंस की इस लड़ाई में क्या होता है और क्या इंसान एलियंस को हरा पाते हैं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। पैसिफिक रिम को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 2 hours 11 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी।
नेक्स्ट मूवी है प्रोजेक्ट पावर। प्रोजेक्ट पावर 2020 में एक एक्शन सुपर हीरो मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक फॉर्मर सोल्जर की जो कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर टीम अप करता है और एक डेंजरस ड्रग के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा ड्रग होता है जिसको खाकर किसी के पास भी 5 मिनट के लिए बहुत खतरनाक सुपर पावर्स आ जाती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस फॉर्मर सोल्जर और स्कोप के सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और क्या वो लोग उस ड्रग के सोर्स को ढूंढ पाते हैं, आप इस मूवी में देख सकते हो। अगर आपने बॉय सीरीज देखी है और आपको वो पसंद आई है तो ये मूवी भी आपको काफी अच्छी लगेगी। प्रोजेक्ट पावर को IMDb पर 6.0 की रेटिंग मिली हुई है और 69% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 53 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2021 में एक साईफाई सर्वाइवल मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है जिल की, जिसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक क्रायोजेनिक पॉड में पाती है। अब उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको इस पॉड में किसने डाला है। जिल के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है इस पॉड से बाहर निकलने के लिए क्योंकि इस पॉड में ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है। जिल को आखिर ये भी पता करना होता है कि वह कौन है और उसको इस पॉड में किसने डाला है। अब क्या जिल ऑक्सीजन के खत्म होने से पहले इस क्रायोजेनिक पॉड से बाहर निकल पाती है, आप इस मूवी में देख सकते हो। ऑक्सीजन को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली हुई है और 66% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 41 minutes का है और ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन 2013 में एक साईफाई एक्शन मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है फ्यूचर में 2077 की, जब इंसानों और एलियंस के बीच एक बहुत बड़ी वॉर होती है जिसमें इंसान जीत जाते हैं लेकिन पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती है, जिसके बाद इंसान पृथ्वी को छोड़कर सैटर्न के सैटेलाइट टाइटन पर चले जाते हैं। मूवी में कहानी दिखाई गई है जैक हार्बर की जो कि एक टेक्नीशियन होता है और पृथ्वी पर उन ड्रोन्स को रिपेयर करता है जो कि इंसानों को एलियन से बचाते हैं। सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया गया होता है। एक दिन उसके काम में एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसकी कुछ मेमोरीज वापस आ जाती है, जिसके बाद उसके सामने कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट रिवील होते हैं। अब वो सीक्रेट्स क्या होते हैं और इन सीक्रेट्स का पता चलने के बाद जैक क्या करता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। ओब्लिवियन को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 75% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 2 hours 4 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की फर्स्ट मूवी है टेनेट। टेनेट 2020 में एक एक्शन साईफाई मूवी है। यह एक टाइम ट्रेवल मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है कि स्पाई की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है फ्यूचर में होने वाले वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने की, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि फ्यूचर के लोग पास्ट की पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक डिवाइस को तैयार किया है। अब वो डिवाइस क्या होता है और फ्यूचर के लोगों को रोकने के लिए प्रोटैगनिस्ट क्या करता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। टेनेट को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 2 hours 30 minutes का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 बहुत ही अमेजिंग साईफाई मूवीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट मूवी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।